ये चेक करें जी, साथ में इन्होंने सुइयां डाली हुई। सर ये क्या है? ये रबड़ी है। रबड़ी है जी सर। ये शीरा है। ये शीरा है जी सर। चले अली भाई, हमें जरा तरीका बताए खाने का। ये सबसे पहले ये तो फीका है ना, मतलब इसमें चीनी नहीं है। ये बिल्कुल फीका है, तो ये सारे जो मीठा इन्होंने आपको दिया होता है, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहे भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कसूर। कसूर सीरीज की एपिसोड में हम जा रहे हैं कसूरी फलूदा पीने, जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में मशहूर है। और कहते हैं जी एशिया का सबसे मज़ेदार फलूदा वो कसूरी फलूदा होता है, कसूरी फलूदा है। तो इसके अलावा एशिया में आपको इंडियन, श्रीलंका में और ईरान में भी फलूदा मिलेगा, लेकिन सबसे मज़ेदार और लजीज फलूदा आपको कसूरी ही मिलेगा। और इस वक्त मैं आ गया हूँ जी नेशनल बैंक चौक में। ये है जी नए बाज़ार का पिछला गेट, आप इसको कह सकते हैं दूसरा गेट, जो कि नेशनल बैंक चौक की तरफ से आता है। और यहाँ से थोड़ा सा ही आगे आपको यू फलूदे वाला मिलेगा। बहमा गहमी का हाल है ना बाज़ार में काफ़ी, जहाँ पे आपको कपड़े वाले स्टॉल नज़र आएंगे, दुकानें, और ये कुछ टोपियों वाले बैठे हैं। बड़ी ट्रेडिशनल इन्होंने एक्सेसरीज अपने पास रखी हुई है। ये देखो शादी के रिलेटेड आपको अगर कोई माले वाले चाहिए तो वो भी आपको मिल जाए। ये आ गया जी यू फलूदे वाला। इसके सामने भी आगे भी दुकानें हैं, लेकिन हम इधर से ट्राई करेंगे। ये चेक करें जी, साथ में इन्होंने सुइयां डाली हुई। सर ये क्या है? ये रबड़ी है। रबड़ी है जी सर। ये शीरा है। ये शीरा जी सर। ये रबड़ी ये साथ में रबड़ी और दे दें। ये आइस, और ये आइस इन्होंने दी है। चेक करें क्या मज़ेदार फलूदा हमारे आगे आ चुका है। तो अगर किसी ने साल ले जाना हो तो वो ये मटके वगैरह में देते हैं। ये अगर किसी ने साल ले जाना हो अपने, तो ये मटके में आपको ट्रेडिशनल स्टाइल में आपको देंगे। पूरी दुकान में इन्होंने शीशे ही शीशे जो के लगाए हुए हैं, क्या खूबसूरत वाइब्स दे रहे हैं ट्रेडिशनल किस्म की। मेरे साथ आए हैं जी अली हैदर भाई, आप इनको पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं। अली भाई नटी है जी, फलूदा हमारे आगे इन्होंने सर्व करने लगे हैं। चले अली भाई, हमें जरा तरीका बताएं खाने का। ये सबसे पहले ये तो फीका है ना, मतलब इसमें चीनी नहीं है। ये बिल्कुल फीका है, तो ये सारे जो मीठा इन्होंने आपको दिया होता है, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहे बीच में डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालते हैं, ज्यादा ना डालना, कोई बात नहीं। और ये बर्फ भी है, जरूरत के मुताबिक बर्फ भी बीच में आप इस तरह से डाल लें जितने भी, तो आप इसको मिक्स करके बनाएं। सही है, वाह 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 वाह, क्या मजेदार वाइब्स दे रहा है, मजेदार लग भी रहा है। चलो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करते हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जबरदस्त मीठा थोड़ा सा अली भाई ने ज्यादा डाल दिया, मुझे ज्यादा पसंद है। चले जी खाते हैं।
अच्छा एक चीज मैंने गौर की है, इन्होंने अपनी पूरी शॉप में जो कि ये शीशे वगैरह मिरर लगाए हुए हैं, पता नहीं खूबसूरती के लिए ये इसके पीछे भी कोई रीजन मौजूद है। बाकी फलूदा हमने फिनिश कर लिया है और अभी थोड़ा सा पैक करवाना है। अभी फिनिश नहीं किया, अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है। चले खाए अली भाई, इसको पीते हैं या खाते हैं फलूदे को? यार फलूदे को पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं खाते हैं। नहीं, फलूदा खाया नहीं जाता, लिक्विड है ना। अच्छा, पिया जाता है। आप चम्मच से भी इसको मतलब कि पी सकते हैं और वैसे मूड ला के इस तरीके से भी पी सकते हैं। सही जी, फलूदा हमने पी लिया है और इंतहाई मजे का था, ठंडा। आप भी आए पिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।